बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सईद अकबरी स्कर्दू से। ये इधर दो छोटे हमारे प्यारे से भाई हैं, ये किधर से आए? कलंदर शहबाज। हाँ, ये कलंदर शहबाज से हैं, पता नहीं है कौन से शहर से है, पंजाब से हैं। ये पंजाब से आए हैं जबकि स्कर्दू का एक भी बच्चा भीख नहीं मांगता। ये भीख के पैसे हैं, ये आज हमने इनकी तलाशी ली। ये सिर्फ आज के पैसे हैं। स्कर्दू के लोग जो है ना, वो 500 रुपए भी दे रहे हैं, 100 रुपए भी दे रहे हैं, 50-50, 100, 10-10। ये दो छोटे भाई हैं, इंतजामिया कहाँ है पता नहीं है। ठीक है जी, ये इसको मैंने कहा आप पंजाब से इधर क्यों आए, तो बोलते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, गर्मी है। इस बंदे को मैंने सर्दियों में, दिसंबर में भी एक ही कमीज में मैंने इधर स्कर्दू में देखा है। उस वक्त भी मैंने सोशल मीडिया पर उधर अपलोड किया, उस वक्त की हिस्ट्री आप मेरे फेसबुक वॉल पे देख सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, यहाँ के बच्चे भीख नहीं मांगते, ये क्यों भीख मांगते, इनको किराया कौन देते, उधर से इधर आने का किराया कौन देता है? ये एक सवालिया निशान है। ये खा रहे हैं, पी रहे हैं। अगर गरीब है तो इंतजामिया, पंजाब के इंतजामिया, स्कर्दू के इंतजामिया मिलकर बाहमी ताउन से इनके लिए कोई हल निकाले। ये हमारे प्यारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन ये भीख, हम इधर बैठे हुए हैं कारोबार में, छोटे छोटे यहाँ के बच्चे हैं, गैरत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, छाले पड़े हैं यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, जबकि इनके देखेंगे कुमार है मजे से। अब देखें, 1000 के नोट भी आप स्कर्दू वाले 1000 के नोट भी दे रहे हैं, पर 500 के, क्योंकि यहाँ के हुसन माओ बहनों के जो है वो दिल है वो बहुत ज्यादा नर्म है, ममता है, तो परदेसी बच्चे को देकर वो भीख देखते हैं। तो काइंडली इंतजामिया से मेरी दरख्वास्त है, लोगों से, स्कर्दू के आवाम से भी मेरी दरख्वास्त है, बल्तिस्तान के, काइंडली आप इनको ऐसा भीख न दें। ये किसी दहशत गर्दी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये किसी पर जुल्म भी हो सकता है, कहीं पे भी मिस यूज हो सकता है। आप तहकीक कीजिए। ये हम नहीं रखने वाले, ये पैसा उठाएं वापस, छोटे अपना पैसा खुद उठाएं। ये डेली देखे जी, इनकी इनके जो है ना रोज का इनकम ये है, माशाल्लाह से मेरी जो है ना महीने की तनख्वाह और दुकान मिलाकर इतना पैसा नहीं बनता माशाल्लाह से, पल भर में इन्होंने कमाया है माशाल्लाह। स्कर्दू वालों सलाम हो आप पर, आप ख्याल जरूर रखते हैं, लेकिन काइंडली स्कर्दू में बहुत सारे सफेद पोश हैं, आप उनका ख्याल रखें। मैंने देखा है और सुना भी है कि प्रोफेशनल भिखारी को आप भीख मत दें, आप सफेद पोश को दे दें। हम इनको वापस दे रहे हैं, ये देखिए, ये हमने तलाशी ली इनकी, तो इनके हर जेब से पैसे निकल आए, 1000-1000, 500-500 के, ये हम वापस दे रहे हैं इनको, क्योंकि ये मैं इस पैसे का मालिक नहीं हूँ, लेकिन हम इस पैसे के मालिक जरूर हैं, यानी बल्तिस्तान। बेटे ये ले जाएं यार, काइंडली ये हम वापस दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे काजू साहब भी हैं, हसन साहब भी हैं, ये बेक मार्केट अली चौक है जहाँ पे ये भीख मांग रहे थे। उधर से इधर किराया कौन देते हैं आपको आने के लिए? गर्मी है तो आप सर्दी में भी आए थे इधर, इधर सर्दी में ना, अब मुझे याद है आप यही एक ही कमीज में आए हुए थे, है ना जनाब? जी। इधर सारे दुकानदारों के पास आपकी पिक्स है, वीडियो है, मेरे पास पिछली दफा भी है। आप काम यार सर्दी में जो है ना, दिसंबर जनवरी में आप आए हुए थे उधर से भीख मांगने के लिए, आपको स्कर्दू ही मिला? पहले भी आया था। यार मैं हैरान होता हूँ, आपको किराया कौन देता है उधर से इधर आने का जाने का? तो काइंडली ये पंजाब नहीं है, ये कराची नहीं है, ये स्कर्दू है। यहाँ गुर्बत जरूर है लेकिन भीख नहीं है। अल्लाह हाफिज़।